वार्ड 29 अर्जुन नगर स्थित दशहरा मैदान में प्रतिवर्ष होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता को इस वर्ष नए वार्ड पार्षद की आपत्ति के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया, जिसके बाद वार्ड के पूर्व पार्षद क्रिकेट मैदान पर धरने पर बैठ गए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 29 में स्थित है यह खूबसूरत दशहरा मैदान, और इसी मैदान में एक क्रिकेट का मैदान भी है, जहां प्रतिवर्ष वार्ड के पूर्व पार्षद द्वारा मोहल्ले की प्रतिभाओं को उभारने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। परंतु इस वर्ष निकाय चुनाव के बाद वार्ड के नए पार्षद द्वारा कोविड-19 की तीसरी लहर का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन से शिकायत करके इस प्रतियोगिता को रुकवाने का प्रयास किया गया, और पुलिस प्रशासन द्वारा आयोजनकर्ताओं के पास से क्रिकेट की सामग्रियां जब्त कर ली गई। ऐसा कहना है वार्ड के पूर्व पार्षद दिवाकर भारती का, जिसे लेकर के वार्ड के पूर्व पार्षद क्रिकेट मैदान पर ही धरने पर बैठ गए, और इस धरने में क्षेत्र की स्थानीय क्रिकेट टीम ने भी उनका भरपूर साथ दिया। इसके बाद भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर से फोन पर बातचीत हुई और उन्होंने पूर्व पार्षद दिवाकर भारती को धरना समाप्त करने का आग्रह किया और जल्द ही जिला प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति मिल जाने की बातें कही, तब जाकर कहीं धरना समाप्त हुआ। विगत 30-35 वर्षों से ये खेल मैदान है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों का, महिलाओं का क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष होता रहा है, किंतु ये ऐसा पहला वर्ष है कि एक स्थानीय पार्षद द्वारा यहाँ के क्रिकेट का विरोध किया जा रहा है। आज गांधी पुण्यतिथि का अवसर पर हम लोग यहाँ पर जो क्रिकेट कराया जा रहा था, पुलिस भेजकर यहाँ के बैट बल्ले गेंद उठवा लिया गया, स्टंप उखड़वा के फेंकवा दिया गया, और यहाँ के स्थानीय पार्षद और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री विद्या रतन भसीन और श्री संजय सिंह द्वारा यह कृत्य किया जा रहा है, जबकि हमारे प्रदेश की सरकार खेल को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और बहुत सारे आयोजन कर रही है, जिससे खेल में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे आयोजन कर रही है, और यही ये भाजपा की कुंठित मानसिकता वाले पार्षद और विधायक द्वारा यहाँ पर क्रिकेट खेलने से मना किया जा रहा है। यहाँ सट्टा खेला जा सकता है, ताश खेला जा सकता है, जुआ खेला जा सकता है, लेकिन क्रिकेट जैसा खेल नहीं खेला जा सकता। ऐसे विधायक और पार्षदों का मैं काफ़ी निंदा करता हूँ, और यहाँ पर फिर से क्रिकेट करवाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि शासन प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ पर पुनः क्रिकेट को चालू करवाया जाए। वर्तमान स्थिति में किसी भी आयोजन प्रयोजन के लिए शासन प्रशासन की अनुमति की ज़रूरत है, ऐसा कहा जा रहा है, तो क्या अनुमति का कोई मामला है? अनुमति के लिए कल हमने पुलिस प्रशासन से बात किया था, उन्होंने कहा है हम वहाँ पर कलेक्टर साहब को आप आवेदन दे दीजिए, उसकी कॉपी हमको दे दीजिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये मैच हो रहा है, मैच के लिए कोई अनुमति लेना, कोई शादी पार्टी तो है नहीं कि यहाँ पर ऐसी कोई भार बहुत भीड़ लगे, और हम कोविड नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग भी सभी लोग मास्क जो है अपना लगा कर और सैनिटाइजर करके ही यहाँ पर पूरा नियम और शर्तों का बिना उल्लंघन किए कार्यक्रम किया जा रहा है। आपने इसको लेकर पुलिस में कोई बातचीत की थी? कल पुलिस से PI साहब से बात हुई थी, विजय श्रीवास्तव जी से, और उन्होंने ही हमें सलाह दिया कि आप कलेक्टर साहब को जाके एक आवेदन दे दीजिए कि हम पूरे नियमों शर्तों का पालन करेंगे, और उसकी एक कॉपी मुझे दे दीजिए, और हमने शाम को वहाँ पर 4-5 बजे छोड़वा दिया था कलेक्टर साहब को आवेदन देने के बाद, और पूरे नियमों शर्तों का पालन कर रहे हैं, हम सैनिटाइजर करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं, दूरियाँ बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि अर्जुन नगर में बने इस दशहरा मैदान को वार्ड के पूर्व पार्षद की वजह से मूर्त रूप मिल पाया, और अब खिलाड़ियों का मनोबल इस तरह से गिराना समझ से परे है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।